की खास खबर की ओर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कीर्तन करके सात्विकता और संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले एक बाबा का पॉर्न वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा की अश्लील हरकत कैमरे में कैद होकर वीडियो क्लिप के रूप में वायरल होने से पूरे इलाके में खलबली मच गई। जिन्हें लोग कीर्तनकार के तौर पर जानते थे और उनके भक्त बन गए थे, उनका ऐसा कृत्य देखकर कई भक्तों को आघात पहुंचा है। अब वैसे ही कुछ लोग जो कल तक बाबा के चरणों की सौगंध खाया करते थे, अब उस फरेबी बाबा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि औरंगाबाद जिले के शिले गांव पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक कीर्तनकार का एक महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है। बाबा की इन अश्लील हरकतों से जुड़ी दो वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खास बात यह है कि वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रहे बाबा जिले के मशहूर कीर्तनकार। इन दो वीडियो के सामने आने के बाद वारकरी संप्रदाय के संगठन की ओर से कीर्तनकार महाराज पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पिछले कई सालों से औरंगाबाद और जिले से बाहर एक प्रतिष्ठित कीर्तनकार के रूप में इस बाबा की पहचान रही है, लेकिन अब इलाके में इनका एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही है। वीडियो देखकर इनके भक्तों को गहरा दुख पहुंचा है। महाराज और वीडियो में दिखाई देने वाली महिला पिछले काफी वक्त से एक साथ कीर्तन करते हुए दिखाई देते रहे हैं। इनका एक बड़ा भक्त परिवार है, दोनों के यूट्यूब पर बड़े फॉलोअर्स है, लेकिन इस तरह के वीडियो वायरल होने से पूरे इलाके में खलबली मच गई। वीडियो क्लिप्स वायरल होने के बाद बाबा पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठ रही है। इस मामले में शिले गांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अपने कीर्तनों से ये बाबा लोगों को सात्विकता और संस्कार के पाठ पढ़ाते हैं और लोग अपने अपने इलाकों में, मोहल्लों में, घरों में उनके कीर्तन कार्यक्रम का श्रद्धा से आयोजन करते हैं। ऐसे लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरा आभार पहुंचा है। महाराष्ट्र के ऐसे असंख्य लोगों की आस्था को इस बाबा ने अपनी अश्लील हरकतों से ठेस पहुंचाई है, इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तेथी आज की खास खबर। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएम न्यूज के साथ।